नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप लोगों का अर्पण ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूं आपसे बात करने के लिए कि दोस्तों वृक्षों पर कौन से ग्रह का अधिकार होता है। जैसा कि हम आपको विदित हैं, कुल 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रहों में पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, बुध, वरुण, यम ग्रह, शनि, अरुण और शुक्र, यह 9 ग्रह होते हैं। और 9 ग्रहों पर जो 9 ग्रह है दोस्तों, हर 9 ग्रहों का किसी न किसी वृक्ष पर विशेष अधिकार है, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस वृक्ष पर और किस प्रकार के वृक्षों पर किस ग्रह का अधिकार होता है। तो दोस्तों जैसा कि हम आपको विदित हैं, जो वृक्ष काफ़ी बड़े होते हैं, काफ़ी ऊँचे होते हैं, अंदर से काफ़ी कठोर होते हैं, उनके अंदर काफ़ी दृढ़ता होती है, ऐसे वृक्ष पर सूर्य का अधिकार होता है। इसके बाद दोस्तों रूता हो गया, बल्ली हो गया, रूता और बल्ली पर चंद्रमा और शुक्र का अधिकार होता है। गुल्मों और झाड़ियों पर राहु और केतु का विशेष अधिकार होता है। दोस्तों जो वृक्ष कांटेदार होते हैं, कांटेदार वृक्षों पर शनि और मंगल का अधिकार होता है। फलदार वृक्षों पर बृहस्पति का अधिकार होता है। बिना फल के वृक्षों पर बुध का अधिकार होता है। दोस्तों इसके बाद जितने भी वृक्ष पुष्पों से युक्त होते हैं, जिनमें रस हो, जिन वृक्षों से दूध निकलता हो, ऐसे वृक्षों पर शुक्र और चंद्रमा के हिस्से में समझना चाहिए। जो वृक्ष औषधियाँ जड़ी बूटियों प्रदान करती हैं, ऐसे वृक्षों पर का जो स्वामी होते हैं वो चंद्रमा होते हैं। दोस्तों जिन वृक्षों में रस विशेष न हो, बौर कमजोर हो, उन पर शनि का विशेष प्रभाव समझना चाहिए। ऐसे वृक्षों पर शनि का विशेष प्रभाव होता है। साल के वृक्षों पर राहु का आधिपत्य होता है। दोस्तों इसमें कई ज्योतिषियों का अपना अपना मत है कि जो फूल वाले वृक्ष होते हैं उस पर बृहस्पति का अधिकार होता है। जो वृक्ष पुष्प बाहुल्य हों, जिसमें पुष्प ज़्यादा लगते हैं, वह वृक्ष पर शुक्र का अधिकार होता है। जो वृक्ष पत्ते से बाहुल्य हों, ऐसे वृक्षों पर बुध का आधिपत्य समझना चाहिए। दोस्तों वैसे बात की जाए तो प्रत्येक वृक्ष में पत्र, पुष्प, फल आदि होते हैं, परंतु उस वृक्ष में प्रधानता किसकी है, उस वृक्ष में महत्व किसका है, उसके हिसाब से उसके ग्रहों को बांटना चाहिए। दोस्तों जैसा कि कटहल में देखा जाए तो फलों की प्रधानता होती है, मौलश्री में पुष्प की प्रधानता होती है, और अशोक के वृक्ष में पत्ते की प्रधानता होती है। तो इस हिसाब से दोस्तों हमें वृक्ष में किसकी मात्रा ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है, उसके हिसाब से ग्रहों का हमें वहाँ पर निर्धारण करना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगे। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों नमस्कार।